गवर्नमेंट को एक चीज तो पता पड़ेगा कि वी कैन नॉट बैन द क्रिप्टो बिकॉज सेंट्रलाइज सर्विस को बैन करना आपको, तो उसका सर्वर एड्रेस बैन कर दो, आईपी ब्लैकलिस्ट कर दो, उस कंपनी को जाके लीगल नोटिस दे दो कि अगर आप इंडिया के लिए ऑपरेट करोगे देन विल डू सम लीगल चार्जेस, कुछ लीगल चार्जेस लगेंगे, इतने का फाइन होगा, दैट्स इट, तो कंपनी इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर देंगे। नाउ द थिंग इज विद क्रिप्टो इज दैट दे डोंट नो हु इज द ओनर ऑफ द क्रिप्टो, क्रिप्टो नेटवर्क इज फुली डिसेंट्रलाइज्ड, एनी कंट्री अगर किसी भी सोचा कि विल बैन द क्रिप्टो दे फर्स्ट नीड टू नो ना कि किसको जाके बोले कि आप तो इंडिया में मत करो ऑपरेशन, तो दे डोंट नो द सिंगल पार्टी, सो व्हाट दे डू इज लाइक कि डीमोटिवेट कर दो, put the tax so heavily on the crypto, उससे जो gains है वो भी एक तरीके से loss हो जाएगा, because जो 20% tax लग रहा है, that is a both profit and loss, उसके अंदर आप loss settlement नहीं कर सकते, so to gain let's say even a single dollar out of a crypto exchange or कोई आपने trade, you'll have to make at least let's say 35% over that trade on, so that आपने 30% tax भी दिया, 1% TDS भी काट दिया, उसके बाद में जो भी tax आया उसके बाद में आपके लिए कुछ बचे, तो ही आप जाओगे उसमें invest करने, so government is going that way on the crypto right now, कि yeah we cannot ban it right now, everyone like कोई भी आप किसी से पूछोगे, everyone will say we cannot ban crypto in any way. आप बस उसको डीमोटिवेट कर सकते हैं यूजर को टू नॉट यूज दिस क्रिप्टो।